देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान उफान पर है। हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की पुत्री अदिति यादव के चुनाव प्रचार में उतरने से मैनपुरी का सियासी तापमान बढ़ गया है। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता दीपक कटारिया की ये खास रिपोर्ट। यूपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मैनपुरी में अपनी माता श्री डिंपल यादव के लिए वोट मांग रही अदिति यादव इन दिनों पूरे देश का ध्यान खींच रही हैं। वे उमस और तपती गर्मी में बिना थके हारे डिंपल यादव के लिए खूब पसीना बहा रही हैं और सपा के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं। उनके चुनाव प्रचार का अनूठा अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। उनके खास अंदाज के कारण जनता भी उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दे रही है। मैनपुरी की महिलाओं से भी उनको खूब स्नेह मिल रहा है। डिंपल यादव के लिए अदिति के व्यापक चुनाव कैंपेन को लेकर डायनामाइट न्यूज़ ने मैनपुरी के लोगों से बातचीत की। डायनामाइट न्यूज़ के एक सवाल के जवाब में हीरापुर क्षेत्र के एक युवक ने कहा कि अदिति यादव ने उनको समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए कहा है, जो भी घोषणा पत्र है उसी को बताया उन्होंने और उसी पे उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैनपुरी के एक बुजुर्ग ने डायनामाइट न्यूज से कहा कि अदिति ने बेरोजगारों को रोजगार देने, किसानों को राहत देने, कन्याओं के लिए योजनाओं पर काम करने के बारे में कहा। हम लोगों को किसान के बारे में राहत देगी, बच्चों को रोजगार देगी, बेरोजगारी को रोजगार देगी, कन्याओं के लिए करेगी और जो योजना होगी वो सपोर्ट करेंगे उनकी पार्टी। मैनपुरी के एक और शख्स ने कहा कि अदिति के विचार अच्छे हैं, अदिति यहाँ की जनता की बातें गौर से सुनती हैं। उनका अच्छा विचार है और यहाँ की जनता की सब फरियाद सुनती हैं और कोई परेशानी नहीं आती है और जैसे बार बार यही बात आती है कि राशन दे रहे 5 किलो राशन से क्या हो जाए, शिक्षा के लिए बच्चों को लो, किसी के पास इतना पैसा धन नहीं है जो कि वे शिक्षा में पढ़ सकें। एक अन्य युवक दीपू कहते हैं कि अदिति में नेताजी यानी मुलायम सिंह की छवि नजर आती है। उन्होंने कहा कि सपा कन्नौज और मैनपुरी में भारी बहुमत से विजयी होगी। जी तो नेताजी की छवि याद आती है, कन्नौज भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे। मैनपुरी 4 लाख से तो ऊपर जीतेंगे और कन्नौज बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। मैनपुरी के कई लोग अदिति को समाजवादी राजनीति का बुलंद भविष्य मानते हैं। अदिति इन लोगों की अपेक्षाओं पर कब और कितनी खरी उतर सकेंगी, इसका जवाब भविष्य ही दे सकेगा। मैनपुरी से दीपक कटारिया के साथ चुनाव डेस्क, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।